पेट्रोल और डीजल की कीमत तो आपको पता ही है कि कितनी हो रखी है, 100 के पास है, और अभी इलेक्शन ख़त्म होने दो, ये और बढ़ेंगी, टेंशन ना लो। तो इसके चलते बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के अलावा अब और कोई ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक वर्जन। और मैं बात कर रहा हूँ टू व्हीलर वर्जन की, क्योंकि गाड़ियों के अंदर CNG वेरियंट आता है जो कि टू व्हीलर के अंदर नहीं आता। तो इस वीडियो में इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जब से पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं तो सारे लोगों का जो फोकस है अब वो ये होगा कि इन्वायरमेंट बचाना है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि वो सस्ता भी पड़ता है और थोड़ा सा अफोर्डेबल है, और उसकी जो मार्केट है तेज़ी से बढ़ भी रही है, क्योंकि नई नई कंपनी आ रही है, नई नई स्कूटर लॉन्च कर रही है। जैसे कि आपको पता है, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। तो अब इतने सारे ऑप्शन है मार्केट के अंदर, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्कूटर लें, कौन सा ना लें। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन स्कूटर लेके आओ जिनकी राइडिंग रेंज काफ़ी अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, और किसी किसी की तो इतनी अच्छी है, मतलब 150+ है। बेसिकली मेरी इस लिस्ट के अंदर 3-4 ऐसे स्कूटर हैं जिनकी राइडिंग रेंज डेली अप डाउन के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप लोग भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे और कन्फ्यूज थे ओला के S1 Pro में, बजाज के चेतक में, TVS iQube में, और हाल ही में जो स्कूटर लॉन्च हुआ है Zone T+ में, तो उन सब के बारे में कन्फ्यूज थे, तो इस वीडियो को देख लो, इसमें सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी कि इसके अंदर क्या मिल रहा है और किसकी रेंज कितनी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले बात करते हैं TVS के iQube के बारे में। TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कीमत है, मतलब जो स्टार्ट होती है, वो होती है 1,15,000 रुपये, और इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। और ये स्कूटर सिंगल चार्ज से 75 किलोमीटर की आपको रेंज देता है, और कंपनी का दावा है ये स्कूटर 4.2 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड पकड़ सकता है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 78 किलोमीटर पर आवर की है। इस स्कूटर की बैटरी को फुल चार्ज होने में 5 घंटे का समय लगता है। और अगर मैं इसके फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग जैसे फीचर मिल जाते हैं। iQube के अंदर हेडलैम्प फ्रंट एप्रन लगा है, और इसके अंदर LED डेटाइम रनिंग लाइट भी दी गई है। तो दूसरा स्कूटर है बजाज का चेतक। तो हाल ही के अंदर बजाज मोटर्स ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक के 2 सेगमेंट लॉन्च किए हैं, अर्बन और प्रीमियम। स्कूटर की जो एक्चुअल प्राइस है वो अर्बन वाले वर्जन की जो कीमत है वो 1,00,000 रुपये है, और प्रीमियम वाले वेरियंट की जो कीमत है वो 1,15,000 रुपये है। कंपनी ने स्कूटर को रेट्रो स्टाइल में डिजाइन किया है, और ये स्कूटर राउंड हेडलैम्प और LED डेटाइम रनिंग लाइट के साथ आती है, जो क्रोम बेजल के साथ आती है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो ये एक सिंगल चार्ज पे 90 किलोमीटर की आपको रेंज देती है, और ये फुल चार्ज होने में 5 घंटे का समय लगाती है। तो बात करते हैं अगले स्कूटर की, जो कि है Zone T+। इस स्कूटर की जो एक्चुअल प्राइस है वो 1,10,000 रुपये है। कंपनी ने अपने इस स्कूटर को इंडिया के अंदर 2 बैटरी पैक के साथ उतारा है, और ये स्कूटर सिंगल चार्ज पे 120 किलोमीटर की आपको रेंज देती है, और ये स्कूटर फुल चार्ज होने में सिर्फ 4 घंटे समय लगाता है, जो कि पहले वाले 5 घंटे ले रहे थे, 4 घंटे लेते, कम लेते हैं, और ज़्यादा ड्राइविंग रेंज भी देता है, और प्राइस भी ठीक ठाक है इसकी। और बात करूँ मैं इसके फीचर की, तो इसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस मोटर मिल जाती है, और इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर ही मिल जाता है, और इसके साथ इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, और एंटी थेफ्ट अलार्म भी मिल जाता है इसके अंदर आपको। तो बात करते हैं अगले स्कूटर की, जो कि है ओला S1 Pro। ओला कंपनी का ये स्कूटर काफी बेहतरीन स्कूटर है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 1,30,000 रुपये है। सिर्फ 18 मिनट चार्ज होने के बाद ये स्कूटर 75 किलोमीटर चल सकता है आपका, मतलब अगर आप लोग सिर्फ इसे 18 मिनट चार्जिंग में लगाओगे तो 75 किलोमीटर का सफर कर सकते हो। इस स्कूटर के अंदर आपको 3.9 किलोवाट की बैटरी मिलती है, और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो एक सिंगल चार्ज पे 181 किलोमीटर की आपको रेंज देती है, और इस स्कूटर को फुल चार्ज होने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। अगर मैं इसके फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 7 इंच का बड़ा टच स्क्रीन, एक नेविगेशन सिस्टम, OTA अपडेट, 4G कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, साइड स्टैंड अलर्ट, और ब्लूटूथ जैसे काफी फीचर मिल जाते हैं। तो ये 4 ऐसे बेहतरीन स्कूटर हैं जो अभी इंडियन मार्केट में बिक रहे हैं, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक की है। तो अगर आप लोग भी इन स्कूटर के अंदर कन्फ्यूज थे तो मेरा सजेशन यही है कि आप Zone T+ या ओला की तरफ जाओ, क्योंकि इनकी रेंज काफ़ी अच्छी है और इनके अंदर आपको फीचर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। बाकी बजाज वगैरह मैं आपको रेंज कम मिल रही है इतने प्राइस देने के बावजूद, क्योंकि सबकी प्राइस रेंज सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और मैं एक चीज़ बताना यहाँ भूल गया कि इन सब गाड़ियों पे आपको, मतलब इन सब इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको सब्सिडी मिलेगी, जो कि आपको Swim2 सब्सिडी के अंदर मिलती है सब्सिडी वो। तो अगर आप लोग खरीदते हो तो आपको इन सब पे सब्सिडी मिलेगी, और सब्सिडी लेना ना भूलें अगर आप लोग लेते हो तो। बाकी अगर आपको बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से बताया जाएगा, वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी तो आपको बताया करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।